उत्तराखंड में 1.25 लाख कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार। जनरल ओबीसी वर्ग के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। कर्मचारी रैली निकालकर सचिवालय कूच कर विरोध दर्ज कराएंगे। बिना आरक्षण पदोन्नति प्रक्रिया बहाल नहीं होने से ये कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं होने पर 20 फरवरी को महारैली का ऐलान भी है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं होने पर 20 फरवरी को महारैली का ऐलान है। उत्तराखंड में 1.25 लाख कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जनरल ओबीसी वर्ग के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कर्मचारी रैली निकालकर सचिवालय कूच का विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए, बैठक ये कल की तैयारियों के लिए है और चूंकि पहले से ही निर्णय ले जा जा चुका है और उच्चाधिकार संयोजन मंडल और जनरल ओबीसी की जो हमारी एसोसिएशन है उसके द्वारा 14 तारीख को प्रदेश के समस्त जनपदों में धरना कार्यक्रम और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया। हमारे सामान्य और ओबीसी वर्ग के लगभग 1.5 लाख से अधिक की संख्या के लोग, कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक कल पूर्ण रूपेण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे एक दिवसीय। और जनपद मुख्यालय देहरादून की अगर बात करूँ तो जनपद मुख्यालय देहरादून में सभी लोग, चाहे सचिवालय के लोग हों, चाहे राजभवन के लोग हों, चाहे विधानसभा के लोग हों और डिपार्टमेंट्स के लोग हों देहरादून के, वो सारे लोग 10 बजे एकत्र होंगे परेड ग्राउंड में और वहाँ से एक रैली के रूप में सचिवालय कूच करेंगे। जहाँ भी पुलिस प्रशासन हमारे उन साथियों को, हम लोगों को रोकेगा, हम लोग वहीं पर अपनी आम सभा करेंगे और दिन भर का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहेगा। तो हमारे साथ दीपक जोशी जुड़े हैं, अध्यक्ष जनरल ओबीसी के। तो दीपक जी, आप लोगों की जो मेन मांगे हैं वो क्या है जिनको लेकर आप लोग रैली निकालेंगे? सूत्री मांग है जिसमें इस राज्य में जो प्रमोशन में जो रोक लगी है, विगत एक वर्ष से लोग जूझ रहे हैं प्रमोशन के बिना, सेवानिवृत्त हो रहे हैं एक लंबी सेवा के बाद, और राज्य सरकार के स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित कराने का एक सिर्फ एक मांग इस संगठन की है। और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लगने लगा है कि सरकार भी अब जो है हिस्सावाली कर रही है और 7 फरवरी से लेकर आज 14 फरवरी एक हफ्ते का समय व्यतीत हो चुका है। इस एक समय में अब तक उस उच्चतम न्यायालय, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का आदेश क्रियान्वित न होना इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जी दीपक, वहीं जिस तरीके से देखा जाए, आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी हैं, तो इसमें अधिकारियों का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रशासन मौन है, राज्य सरकार मौन है। जो पुष्ट खबरें निकल के आ रही हैं, रोज इसकी ब्रीफिंग भारत सरकार जा रही है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के पास, यहाँ तक की ये खबर लगी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, इसकी खबर रोज अपडेट जाता है कि हमने किस प्रकार से 2012 में पदोन्नति आरक्षण की व्यवस्था को, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसको खत्म किया था। आज सिर्फ इस मुद्दे को राजनीतिक हवा दी जा रही है। दिल्ली का इलेक्शन चूंकि वर्तमान सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार बहुत फूक फूक के चल रही है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इन कर्मचारियों से, एक बड़ी तादाद के कर्मचारियों से, उनके घर परिवार के मेंबरों से, कहीं ना कहीं उनके हितों से राज्य सरकार, भारत सरकार खेल रही है और ये खिलवाड़ अब सड़कों पर तक आ गई है और कहीं ना कहीं इसका अंत जो भी होगा, लेकिन हम लोग तब तक डटे हैं इस मैदान में जब तक हम लोग इस प्रमोशन में, इस उत्तराखंड राज्य में कम से कम प्रमोशन में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको जड़ से समाप्त नहीं कर देते और इस पदोन्नति में लगी रोक को हम लोग जब तक हटा नहीं देते तब तक हमारा एक कार्यक्रम चलता रहे। जी दीपक, आप लोगों का कार्यक्रम तो यूं ही बरकरार रहेगा जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, पर ये कार्य बहिष्कार कब तक रहेगा? देखिए, आज फिलहाल सरकार को चिताने के लिए सिर्फ एक दिन का कार्य बहिष्कार आज रखा है जी। 20 फरवरी को इस देहरादून में प्रदेश व्यापी महारैली होगी जिसमें इस प्रदेश के लाखों वो कर्मचारी जो सामान्य और ओबीसी वर्ग से आते हैं, शिक्षक गण और उनके परिवार, सगे संबंधी उस रैली का हिस्सा बनेंगे और एक भव्य रैली देहरादून में होगी और सरकार को एहसास कराया जाएगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनके हितों के, उन तमाम कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के खिलाफ पुख्ता रूप से अब तक निर्णय ले लिया है और निर्णय न लेने की स्थिति में ये सभी लोग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिए सड़क पर आ गए। जी दीपक, वही जो कर्मचारी संगठन है वो अभी कार्य बहिष्कार कर रहा है, फिर 20 तारीख को महारैली है, तो इसके बाद आप लोगों क्या प्रक्रिया, आप लोगों ने आगे क्या सोचा है कि अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे?
देखो अंततः 20 तारीख तक अगर ये निर्णय नहीं हमारे पक्ष में आता है, और वर्तमान समय में सरकार जितनी संवेदनशील हमारे प्रति हो गई है और आरक्षित वर्ग का दबाव जो सरकार पर है, तमाम मंत्री विधायकों पर है, तमाम सेंट्रल के दलगत राजनीति से जो लोग डूब चुके हैं और राजनीतिक रोटियां जो लोग इस मुद्दे में सेक रहे हैं और कहीं ना कहीं इस आरक्षण को सीधी भर्ती छोड़ के मसौदा तैयार किया जा रहा है, हम लोग उनकी निंदा करते हैं। और तमाम जो 20 तारीख का कार्यक्रम हमारा है, 20 तारीख को हम लोगों ने रैली के बाद तय किया है कि उसी दिन इस प्रदेश को पूर्ण रूप से हड़ताल, अपने कर्मचारियों की हड़ताल में कूदने के लिए हम लोग आह्वान करेंगे और तिथि उसी दिन निर्धारित करेंगे। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।